बॉस का स्वभाव जान नहीं है, आप मुझे उकसा रहे हो। देखो मेरा बरकट 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 जी ने बरकट रामखोर। इस डायलॉग को सुनकर आपको याद आया होगा कि ये डायलॉग आपने पहले भी कई बार सुना होगा। ये डायलॉग विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर के संस्थापक श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज द्वारा एक कथा प्रवचन के दौरान कहा गया था, जो अब विश्व के अंदर इस डायलॉग के साथ महाराज की चर्चा होने लगी। इस चर्चा के बाद युवाओं में क्रेज महाराज यानी बॉस के प्रति इतना बड़ा कि महाराज स्वयं कहते हैं कि 14 साल ने जो नहीं किया वो इस डायलॉग ने कर दिखाया। आज महाराज के हजारों की संख्या में युवा फैन हैं, महाराज के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित नजर आते हैं। इस डायलॉग के बाद महाराज जहां भी आगमन होता है या जहां भी जाते हैं वहां युवा पहले से ही महाराज के इंतजार में खड़े रहते हैं, और जैसे ही महाराज का आगमन होता है तो दौड़कर सेल्फी और डायलॉग सुनने के लिए तत्पर नजर आते हैं। आपको बता दें कि महाराज यानी बोस के जीवन परिचय से लेकर आज आपको सब कुछ बताएंगे। शुरुआत करते हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज यानी बोस के जीवन परिचय से। आपको बता दें कि बोस का जन्म विक्रम संवत 2032 के पावन पर्व ब्रह्म मुहूर्त में 24 जुलाई 1975 में राजस्थान के नागौर के राठौड़ी कुआ मोहल्ले में हुआ। आपकी माता का नाम भौरी देवी व पिता का नाम जयनारायण जी साकला है। माता पिता ने आपको जन्म से ही संतों के सानिध्य में रखा और बाल्या अवस्था में ही रामायण गीता महाभारत पुराण आदि ग्रंथों का अध्ययन करवाया। आपने शिहतल पीठाश्वर श्री श्री 1008 समाराम जी महाराज से मंत्र लेकर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। आप राम काज के अलावा व्यायामशाला में 1995 में बजरंग व्यायामशाला की स्थापना कर सैकड़ों युवाओं को योग अस्त्र शस्त्र खेल और कुश्ती में तैयार किया। आपका व्यवहार आत्मीय भरा है। आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा के स्लोगन पर कार्य करते हैं। बाबजी अभी युवाओं में काफी जोश है और इस डायलॉग के पीछे ये जोश है। हाँ। कैसा लग रहा है किस तरह से, क्योंकि युवाओं का बहुत सपोर्ट मिला। वह यूं कि 13 जुलाई को एक भजन संध्या थी और ये तो मेरा परिवार है, इनसे घोर लापरवाही हुई, लिखित में दिया इनको और 8 मिनट का समय भी दिया कि भाई एक कलाकार को 8 मिनट देने हैं। ये 30 भजन संध्या मतलब क्या है, गड़बड़ हो रही थी। इससे पहले 2 हमने और करवाई, उसमें भी छोटे कलाकारों को कम टाइम दिया और बड़े को ज़्यादा दिया। तो मेरा उन छोटे कलाकारों के प्रति जो स्नेह था कि भाई उनको भी सपोर्ट मिले, तो फिर वो गुस्सा फूटा और पूरा गुस्सा तो दुनिया ने देखा। हुआ यूँ कि 20 दिन तो हमें खुद को ही मतलब क्या है कि काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई नहीं बोलना चाहिए वैसे, और या यूँ समझ लीजिए माइनस में था। फिर मैंने ये कहा था कि एक ये गुस्सा उनके लिए था न्यायप्रिय, जो छोटे बच्चों के लिए था, और कर्मचारी को ये फैसिलिटी थी कि 25,000 रुपया महीना लिखित पे देना, 5 बार समझाना, और तीसरी भजन संध्या में ये लापरवाही कर रहे हैं। तो एकदम वापस ये लहर चली और आज उस डायलॉग की वजह से, और वो आप डायलॉग कहेंगे तो मैं दूंगा बाकायदा। और आज ये है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, मान लीजिए मैं अभी जोधपुर जाता हूँ तो रास्ते में फ्रेश होने के लिए गाड़ी रोक दी तो ही पीछे 2-3 गाड़ियां रुक जाएगी। मैं कहीं भी भजन संध्या में जाता हूँ, उद्घाटन में जाता हूँ, तो सैकड़ों की संख्या के अंदर युवा वहाँ आगे तैयार रहते हैं। मैंने 14 साल गायों की सेवा की, 5 आदमी तैयार नहीं थे आगे, और ये ईश्वर की कृपा है, युवाओं का क्रेज है। और ये स्थिति है कि इतना युवा चाहते हैं कि रोजाना के यहाँ पर
300-400 युवा फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, और अभी आपने देखा भी होगा, और मैं भी वापस युवाओं को कहीं भी जाता हूं, ये बॉस के चाबी छल्ले उनको देख करके उनका सम्मान करता हूं कि जिन युवाओं के अंदर इतना क्रेज है तो क्यों ना मैं उनको कुछ चीज देके आऊं। मैं युवाओं की जो श्रद्धा, जो क्रेज, वाकई वो काबिले तारीफ है, धन्य है युवा, और मैं युवाओं की नजरों में हमेशा खरा उतरूंगा। कई लोग कहते हैं कि आप राजनीति में जाएंगे इसलिए आप दौरे कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। मैं साफ तौर पर कहता हूं जिंदगी में कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, यह शरीर गायों के लिए है, गायों के लिए ही कार्य करूंगा। लेकिन इन युवाओं की इतनी श्रद्धा है, जोश है, तो जहां कहीं भी युवा मुझे बुलाएंगे, मैं उन युवाओं का आदर करते हुए, मैं उन युवाओं का सम्मान करते हुए, चाहे वो गांव ही क्यों ना हो, उनके बीच में उपस्थित होकर के उनका मनोबल बढ़ाऊंगा। इतना उनके प्रति वापस मेरा भी उनकी युवाओं के प्रति श्रद्धा है। अच्छा, एक पूछना चाहेंगे कि पहले ऐसा लोगों के मन में था कि आर्मी रूल चलता है, हाँ। लेकिन अब जो है थोड़ा बदलाव हुआ है, हाँ। तो ये बदलाव जो इस डायलॉग के बाद हुआ है, युवा भी आपके साथ आ रहे हैं, हाँ। सोशल मीडिया पर हर तीसरा वीडियो आपका, मतलब इसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करें, हाँ। तो उससे कैसा महसूस होता है, किस तरीके से और आगे युवाओं के लिए करें? आर्मी सिस्टम तो पहले भी था, क्योंकि मैं खुद मतलब क्या आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर युवाओं को भेज चुका हूं, बजरंग व्यायामशाला के माध्यम से, कमांडो जिम के माध्यम से। फौजी सिस्टम था, फौजी सिस्टम है, और जब तक धरती पर जीऊंगा फौजी सिस्टम रहेगा, क्योंकि जहां अनुशासन होता है वहां पर फौजी सिस्टम रहेगा, और उस फौजी सिस्टम में ही इनके मतलब क्या है फायदे हैं। फौजी सिस्टम का मतलब यह हुआ, समय पर आओ, नशा मुक्त रहो, काम में लापरवाही मत बरतो। तो आज विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में ये काम कर रहे हैं, अच्छे वेतन, अच्छे पद पर, तो फौजी सिस्टम में फायदा है समझे तो। और जहां कोई सिस्टम ही नहीं है तो वहां पर कोई रूल ही नहीं है, तो फिर उसमें आनंद नहीं है। युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप सुबह जल्दी उठें, नशा मुक्त बने, और अभी सर्दी का मौसम है और मुझे पुराना समय याद आता है, खुले मैदान के अंदर जाकर के फ्रेश होकर के पहले शरीर को गर्म करें, यानी कि हल्की एक्सरसाइज, और फिर दंड बैठक, और एक एक कपड़ा उतारें, एक एक कपड़ा उतार करके और लंगोट में रह करके सरसों के तेल की मालिश करें। मैं कहता हूं सिर्फ आपको दूध लेना है, शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा रहेगी, इतना आपके अंदर पावर रहेगा कि अगर आपके अंदर कोई भी कार्य करने की क्षमता है, बड़ी स्फूर्ति से करेंगे, और जीवन के अंदर जब आप अगर बूढ़े भी हो जाएंगे तो वो क्षण याद करेंगे, तो समय भी अच्छा व्यतीत होगा। और नहीं तो नशा करना, लेट सोना, लेट जागना, ये आपके तरक्की के अंदर बाधक है। अच्छा, एक बार वो डायलॉग जो दर्शकों के लिए हो जाए, हाँ, कि वो डायलॉग क्या था? उस समय ये डायलॉग था जो 8 मिनट हो गए और मैंने कहा, एक पर्ची भेजी ऐसी पीली स्लिप, मैंने ऐसे 3 स्लिप भेजी, मैंने कहा भाई 8 मिनट हो गए, भजन को रुको, पीछे गर्मी भी थी तो पसीना भी हुआ, भजन उसने लगातार ले लिया। तो मैंने स्टेज पर आया और आते ही मैंने कहा, थाने ध्यान को नहीं बॉस का स्वभाव कहीं है, 10 सालों से काम कर रही हो और तुम रुकसा रही हो, 8 मिनट का समय दिया है, 8 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, आप कौन सी लेंगे समझेंगे। मैं कुत्तों को कुत्तों की भाषा में समझाता हूं, आप प्रभारी हैं, इतने इंचार्ज हैं, क्या कर रहे थे आप, लिखित में दिया मैंने, बॉस का स्वभाव ध्यान नहीं है, आप मुझे उकसा रहे हो, देखो मेरा बरकट बरकट राम खोर। ये था डायलॉग, बिल्कुल इसी के पीछे आज प्रसिद्धि खूब वर्ल्ड के अंदर हो रही है। थैंक यू।
महाराज ने नशा मुक्ति को लेकर विशेष अभियान भी चलाए और जीव दया के भाव प्रकट करते हुए स्वामी जी ने विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय की स्थापना कर सेवा हितार्थ के ऐतिहासिक कार्य किए। आज इस गौशाला में तकरीबन 18 एम्बुलेंस सेवा है, जो कि 6 राज्यों से पीड़ित व घरेलू 800 गोवंशों व गोवंशों को प्रतिदिन लेकर आती है, जिनकी सेवाएं दिन रात की जाती है। इस गौशाला में एक्सरे मशीन से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक स्थापित किया गया है। महाराज कुशाल गिरी जी महाराज ने डायलॉग दक्को देन बारे कार्ड के बाद देश और युवाओं के प्रति एक अलग पहचान बनी। इस डायलॉग के बाद महाराज का युवाओं से मिलने के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर रखा है। जब भी युवा बॉस के साथ सेल्फी लेते हैं या बॉस से मिलते हैं, तो बॉस उनके साथ अलग अंदाज में सेल्फी ले दिलाते हैं और अपने हाथ में तलवार, बॉस लिखी तलवार भी रखते हैं। आपको बता दें कि बॉस फोन नहीं रखते। बॉस से मिलने के लिए एक नंबर जारी किया गया है, उस नंबर के माध्यम से आप बॉस से संपर्क साध सकते हैं। साथ ही बॉस के साथ सेल्फी लेने के लिए आप गौशाला में भी जाकर वहां सेल्फी ले सकते हैं। आपको बता दें कि बॉस के आदर सत्कार का अंदाज भी निराला है। बॉस से मिलने के लिए जो भी युवा वहां पहुंचते हैं, तो पहुंचने के साथ ही बॉस तिलक वे अपने बॉस लिखा छल्ला देकर उनका सत्कार करते हैं। साथ ही उनका स्वागत तिलक लगाकर किया जाता है। इसके अलावा एक भजन गाकर आने वाले अतिथियों का सत्कार किया जाता है। सर, इस वीडियो एक वीडियो आया था जिसमें आपने ये कहा है कि फूलचंद के प्रति मुझे इतना ही प्रेम है, जब भी उनके दुख दर्द होगा तो मैं सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। बिल्कुल, ये मैंने कहा था, दो बार आगे कहा था, आज तीसरी बार साफ तौर पर कहता हूं, फूलचंद जी नायक मेरे प्रिय शिष्य हैं। हमने कड़ी मेहनत करके उनको आगे बढ़ाया और उनकी भी मेहनत थी। हम उन्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। अगर भविष्य में किसी कारणवश उनको हमारी जरूरत पड़े या आर्थिक परेशानी आए, मैं महामंडलेश्वर कुशालगिरी संत के नाते, गुरु के नाते फूलचंद जी के साथ में तन से, मन से और धन से, तीनों से उन्हें सपोर्ट करेंगे। और आज भी उनके जो वो भजन गाते हैं वो हमें भेजते हैं और हम अपने स्टाफ पर भी भेजते हैं। संबंध हमारे अच्छे हैं, ना वो हमारी बुराई करते हैं ना मैं उनकी बुराई करता हूं। और मुझे उस दिन का भी इंतजार है जिस दिन फूलचंद जी के ऊपर कोई आपत्ति आएगी, लोग उनकी मदद करने के लिए आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये कुशालगिरी फूलचंद के लिए तैयार खड़ा मिलेगा।